यूट्यूब पे भी फाड़ दी, मेरा नाम हर्ष चौहान। यूट्यूब पे भी फाड़ दी, मेरा नाम हर्ष चौहान। यूट्यूब पे भी फाड़ दी, मेरा नाम हर्ष चौहान। व्हाट्सएप पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, हम लोगों ने पिछली सियास की एक वीडियो डाली थी जिसमें जो पुरानी सियास थी उसे नए सियास में हमने कन्वर्ट करा था। सो उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। कई लोगों ने पूछा था कि उनकी गाड़ी है वो भी कन्वर्ट हो सकती है नहीं हो सकती। तो वीडियो उसी टॉपिक पे है कि आप आपकी जो पुरानी गाड़ी है उसे नई गाड़ी में कैसे कन्वर्ट करें, और मोहित भी आपको सारा कुछ बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं हम जिससे कन्वर्ट हो सकती है। सो बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। सो मोहित भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपने सियाज को, जो पुरानी सियाज थी उसको नए में कन्वर्ट करा था, वैसे और भी गाड़ियाँ कन्वर्ट हो सकती हैं? बहुत गाड़ियाँ हो सकती हैं। ठीक है, एक होंडा सिटी हो गई अपनी, होंडा सिटी है उसकी भी जल्दी वीडियो हम लेके आएंगे, हम बना चुके हैं। एक एस्क्रॉस हो गई पुरानी वाली को, नया बना चुका हूँ मैं। और क्या कहते हैं अपनी जो ये आई है ये SUV 500, ये भी मॉडिफिकेशन हो सकती है पुरानी वाली को, नया बना सकते हैं। मोहित भैया, क्या क्या चीज़ें आप एक गाड़ी में बदलते हो ताकि वो जो पुराना मॉडल है वो नए में कन्वर्ट हो जाए? देखो, ज़्यादातर क्या होता है, एक लाइट चेंज होती है, बम्पर चेंज होता है, ग्रिल चेंज होती है, जिसके कारण कंपनी नया मॉडल बना देती है, लेकिन होती सब कुछ सेम है अंदर। एस्क्रॉस हमने बना चुके हैं, एस्क्रॉस में बोनट और बम्पर और ग्रिल और हेडलाइट चेंज हुई है, उसकी भी वीडियो आ जाएगी। और एक होंडा सिटी हम चेंज कर चुके हैं, और क्या कहते हैं बहुत गाड़ियाँ हैं जैसे जो भी आ रही है। अब ये बलिनो भी चेंज होने वाली है 2019 में, सितंबर में बलिनो चेंज हो जाएगी आपकी, उसका बोनट बम्पर और ग्रिल सब चेंज हो जाएगी। सुमोई पे हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपके पास कौन सी कंपनीज की लाइट है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी है इंडिया में, तो कौन सी कंपनीज की लाइट है? मैक्सिमम 90% सभी गाड़ियों की लाइट मेरे पास स्टॉक में रहती है। ये आए हैं मेरे पास अपनी विटारा ब्रीजा लेके, जो ये बाहर से लाइट लगवा रहे थे अपनी लाइट में खुलवा के 35,000 रुपये मांगे जा रहे थे उनसे, जिसमें एक प्रोजेक्टर और DRL लगवा रहे थे। मैं इनको जेन्युइन हेडलाइट दे रहा हूँ 35,000 में, बाहर आफ्टर मार्केट दे रहे हैं, लेकिन भैया ने मेरे को दिया लाइट बिल्कुल जेन्युइन रेट है, और मेरे को अपनी हेडलाइट मेरे को ऑफिस मिल जाएंगी, भैया की हेडलाइट लग जाएंगी गाड़ी में, बहुत बढ़िया काम है। और जो है, जो हेडलाइट दे रहा हूँ वो जेन्युइन है और अनयूज्ड हेडलाइट है। सो गाइस, बेसिकली ये कोई पेड वीडियो नहीं है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मोहित भैया के पास हमेशा आता रहता हूँ इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं भैया से प्रूफ ले लूँगा, वीडियो भी है मेरे पास कि वो कौन सी लाइट्स लगा रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ, जो आपकी पुराने हेडलैम्प्स होते हैं उसी में वो लोग DRL इंस्टॉल करते हैं, और साथ में जो आपकी ही लाइट होती है उसी में एक बल्ब लगाया जाता है जिसकी रोशनी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होती है, प्रोजेक्टर लगाया जाता है जिसकी रोशनी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होती। एंड डिफरेंस का मतलब बात की जाए डिफरेंस की, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल लाइट्स हैं जो आपको अगर आप कंपनी में जाके लेते हो सेम लाइट्स आपको यहाँ पे लगेंगी, और डिफरेंस सिर्फ इतना ही नहीं प्राइस में भी डिफरेंस है, बाहर वही चीज़ 35,000 रुपये की है और यहाँ पे भैया कितने में लगा रहे हैं? मैं इनको 10,000 रुपये में, ये 10,000 रुपये में सिर्फ लाइट लगवा रहे हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है प्राइस में और जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उसमें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो मेरा बलिनो की हेडलाइट है वो अनयूज्ड है, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था बलिनो की लाइट अनयूज्ड है, और अभी भी बता रहा हूँ जो उसका बल्ब और ब्लास्टर है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जिसकी 3,000 घंटे लाइफ है, ब्लास्टर के पीछे भी लिखा हुआ है और आप नेट पर जाके भी पढ़ सकते हैं कि उसकी 3,000 घंटे की लाइफ है, जो हम लगा रहे हैं उसकी प्रॉपर लाइफ है, नहीं तो लोग सेकंड हैंड लाइट बेचते हैं, हमारी सेकंड हैंड लाइट में अनयूज हेडलाइट है हमारी। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो नई गाड़ी होती है और एक पुरानी गाड़ी होती है, यानी कि जो मॉडल्स में डिफरेंस होता है वो बेसिकली हेडलैम्प्स में होता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो या फिर कुछ भी हो, दूसरा जो फ्रंट ग्रिल होती है उसमें होता है, बम्पर होता है उसमें होता है, एंड जो पीछे के टेल लैम्प्स होते हैं उसमें होता है। तो वहीं पर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि आपके पास कौन सी कंपनीज की जो गाड़ियां हैं, मैं गाड़ी के नाम नहीं पूछूंगा बिकॉज गाड़ी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, आप कंपनीज ही बता दीजिए कि मारुति की है, होंडा की है, टोयोटा की है, और अपनी ये महिंद्रा की है, ठीक है, और हुंडई की है, हुंडई की है, ठीक है, वॉल्सवैगन की है, ठीक है, सारी गाड़ियों की है A to Z, और सारी कंपनी की ब्रांडेड हेडलाइट है, जेन्युइन है। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मोस्ट वीडियोस में मेरे से ये पूछा जाता है कि जब हम हेडलैम्प्स इंस्टॉल करवाते हैं तो उसमें वारंटी वॉइड होती है नहीं होती, और मैं हर वीडियो में आप लोगों को भैया से पूछवाता भी हूँ सेम चीज़, तो मैं खुद ही बता देता हूँ अपनी जुबानी कि वारंटी वॉइड जैसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज कपलर टू कपलर सारा काम होता है, जिसे हम प्लग एंड प्ले भी बोलते हैं, सो उसमें सारा काम होता है ना, आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती है। सर, अगर आपकी गाड़ी की
मैंने लाइट लगाई, अगर मैं तार छीलता हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ या काटता हूँ मैं हूँ, आपकी गाड़ी का जिम्मेदार हूँ, फिर आपकी वारंटी कैसे वाइड होगी? सही बात। मैं कस्टमर को दिखा के ही काम करता हूँ कि भैया देखो आपकी गाड़ी की तार कट रही है नहीं कट रही कोई। एंड गाइस दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर हमने यहाँ पे बात करी है कि हम जो 2000 यानी कि जो पुराना मॉडल है उसे नए मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इंजन को कन्वर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इंजन कन्वर्ट करना आफ्टर मार्केट में पॉसिबल है ही नहीं और कंपनी वाले भी वो नई चीज़ नहीं कर सकते। बट हम गाड़ी के लुक्स को चेंज करके नया जैसा बना सकते हैं। और भैया ने जो सिंपल बलिनो है उसे बलिनो RS बना रखा है, जो सियाज है 2017 थी उसे 2018 फेसलिफ्ट किया है, वो दो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तीसरा होंडा सिटी को जो पुरानी होंडा सिटी थी उसे नए में कन्वर्ट करा, तो उसकी वीडियो जल्दी ही चैनल पे आएगी। और अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है एंड आप उसे पुराने से नए में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो 3-4 चीज़ें हैं जो हमने बता दी। सो गाइस वीडियो हम डालते हैं तो उसमें कई बार ये बोला जाता है कि वहाँ से लाइट लेके आ रहे हैं, एक्सीडेंटल गाड़ियों की लाइट है, डुप्लीकेट लाइट है, ये है वो है, तो आप देख सकते हैं काउंटर पे एर्टिगा की लाइट्स रखी हुई हैं जो अभी रोड पर भी नहीं आई है गाड़ी। ये उनके लिए है जो लोग कहते हैं कि एक्सीडेंटल गाड़ी की लाइट बेच रहे हैं, पुरानी गाड़ी की लाइट बेच रहे हैं, ये तो अभी रोड पे भी नहीं आई है गाड़ी कि और लाइट मेरे पास कहाँ से आ गई है, खुद बताइए देखिए कहाँ से आ गई लाइट। सो गाइस ये कि बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि जिस गाड़ी जो गाड़ी अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई है उसका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। और जो बोल रहे हैं कि एक्सीडेंटल गाड़ियों की लाइट्स हैं, तो भाई बिना एक्सीडेंट हुए किसी गाड़ी की लाइट यहाँ पे कैसे आ सकती है? तो ये सारी लाइट्स जेन्युइन हैं। और हमने जो सियाज की वीडियो बनाई थी उसमें एक भाई ने कमेंट करा था कि एक्सीडेंटल है, चोरी वाली लाइट्स हैं, ये वो ये वो बहुत सारे, तो उन सब कमेंट्स को आप इग्नोर करें। चोरी की लाइट होती तो यूट्यूब पे वीडियो नहीं आती, वीडियो नहीं आती। एंड दूसरी चीज, अगर चोरी की लाइट हो तो वारंटी नहीं मिलती है किसी भी चीज की। और भैया अपनी तरफ से हर गाड़ी की आप जो लगाते हैं आफ्टर मार्केट छोड़ के, आफ्टर मार्केट भी थोड़ी बहुत वारंटी देते हैं, और अगर ये जेन्युइन हेडलाइट लगा रहे हैं इसकी पूरी वारंटी देंगे। जैसे कि आपने देखा कि आप आपकी जो पुरानी गाड़ी है उसे नए में कन्वर्ट करवा सकते हैं, आपको पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मोहित भैया को आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपकी गाड़ी का जो पूरा यानी कि पूरा एक सेटअप है वो कितने में पड़ेगा, हेडलैम्प्स के साथ एंड बम्पर के साथ एंड जो ग्रिल है उसके साथ। और अगर मेरा नाम लेके आएंगे तो भी आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे ना भैया? हाँ बिल्कुल दूंगा सर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। थैंक्स।